जो भाई बेरोजगार है और रोजगार पाना चाहते हैं, तो मैं उनको लिए बोलता हूँ। आज मेरा टॉपिक है कि देसी मुर्गी फार्म, प्योर देसी मुर्गी फार्म आप कैसे करते हो, कैसे करना है और कितना आप उससे बेनिफिट ले सकते हो, उनके फायदे क्या क्या है और कितना खर्चा आता है, उसके बारे में बताऊँगा। प्योर देसी मुर्गी को फार्म, तीन वेराइटी देसी टेढ़ी मुर्गी, कड़कनाथ और असील, तीन प्रकार की वेराइटी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। इसको पालन कैसे किया जाता है और कितना आपको इसको बेनिफिट मिलने वाला है, क्या फायदा है इसका, तो वीडियो में बने रहे अंत तक आप देख सकते हो। तो भाइयों, ये जो फार्म दिख रहा है पूरा ओपन एरिया के अंदर, पूरा एक एकड़ के अंदर मेरा फार्म है, एक एकड़ के अंदर पूरा आप देख सकते हो। फिर हमारे पास भैया ये बकरी फार्म है, मेरा मुर्गा बोल रहा है। देसी मुर्गी पालन से ये फायदा है कि देसी मुर्गे एक साथ इतना मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे पास टोटल 50 लगे, तो देसी मुर्गे आज के ज़माने में मिलना बहुत ही मुश्किल है। कितने गांव में दिया थे, गांव में एक या दो मुर्गा होते हैं, एक या दो मुर्गे गाँव में होते हैं जो कि अपने घर के लिए लगते हैं, लेकिन मैंने ये पूरा फार्म यहाँ पर आप बना रखा, आप देख सकते हो देसी मुर्गी फार्म मेरा बहुत ही क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का मुर्गी है। देसी मुर्गी के नंबर एक फायदा जो टेढ़ी मुर्गी होती है उसका जीवन काल यानी उम्र लगभग 8 से 10 साल तक होती है। टेढ़ी मुर्गी साल के या महीने के 300 अंडे देती है, लगभग 3 साल के तो 300 अंडे आराम से दे देती है, एक महीने में 30 या 35 अंडे देती है और रुक जाती है। तो उस समय अगर आपको अंडा बच्चे भी निकाल सकते हो, इनसे अंडे भी ले सकते हो और इसका खाने के मीट भी इनका काम आता है। ये तो टेढ़ी मुर्गी जो चल रही थी, टेढ़ी मुर्गी हमारे भारत की सबसे पुरानी मुर्गियों में से नस्ल है, बहुत ही बढ़िया नस्ल है। ये अंडे भी खूब देती है, इनका मीट भी खूब है और ये आप अंडे से बच्चे भी निकाल सकते हो, इसका बहुत बेनिफिट है। ये मुर्गी बहुत अच्छी मुर्गी होती है, जितने आप अंडे निकलोगे उतने अंडे निकालेगी, बच्चे निकालने में माहिर है और ये फीड ज़्यादातर बाहर का खाती है, अपना कचरा खाती है, पेड़ों के नीचे घूमने वाले पत्ते कीड़े मकोड़े खाके अपना जीवन काल करती है। इनको ज़्यादा पीड़ की वो पीड़ की उनकी उनको जरूरत नहीं है कि भाई तू बाहर से बाजार से फीड ले आइए, या फिर आपके पास में घर का बाजरा मक्की चावल या घर का बचा जो भी फीड है उनको दे दो, वो खा लेगी और अपना पेट भर लेगी। बच्चे पालने में माहिर है, हर चीज़ में बहुत ही बेस्ट ब्रीड है। बेशक इनको खुले में रखना पड़ेगा, आपको ओपन एरिया बोलते हैं हिंदी में, इनको खुले में रखना पड़ेगा, अंदर ये फार्म के अंदर नहीं रुक सकते। अगर आप इनको फार्म के अंदर रखोगे तो पल तो जाएगी लेकिन इतने अंडे नहीं देगी, इतने तंदुरुस्त नहीं होगी, इनका मीट भी स्वादिष्ट नहीं होगा, अंडे भी इतने ज़्यादा नहीं देगी। ये मुर्गी सिर्फ घूमने फिर कर अपना बाहर का कचरा खा के पेट भर के खुश रहती है मुर्गी। ये मुर्गी दो नंबर पर आ गई कड़कनाथ, एक कड़कनाथ मुर्गी बिल्कुल काले कलर की होती है। ये मुर्गी कंटिन्यू अंडे देती है, महीने में 30-35 अंडे देके फिर रुक जाती है, 2-3 दिन रुकती है फिर वापस शुरू हो जाती है। कड़कनाथ मुर्गी बहुत ही बेस्ट मुर्गी होती है, ये सिर्फ अंडे पर 5 अंडे देती है और फीड कम खाती है। ये मुर्गी कुड़क नहीं मांगती है, बच्चे नहीं निकलाएगी, कभी भी बच्चे नहीं निकलाएगी, कोई अंडे देती रहती है कंटिन्यू और जाती फिर देना शुरू हो जाती है, बच्चे नहीं निकलती। कड़कनाथ मुर्गी बिल्कुल काली होती है, ऊपर से नीचे पूरी काली होती है, जिससे हमारे आप देख सकते हो सुग्रीय मुर्गी उसी केसर काली होती है। अगर गला फाड़ के देखो वो भी अंदर से मुँह फाड़ के देखोगे तो वो भी काला होगा, इसको अगर काटोगे तो उसका ब्लड भी ब्लैक निकलेगा और इसके अंडे भी काले होते हैं। इसके अंडे में इतनी प्रोटीन है कि बहुत ज़्यादा कैंसर की बीमारियों में, लकवा की बीमारियों में, बांझपन दूर करना, पीलिया हो जाना,
घुटनों में दर्द होना, जितनी कमजोरी आंख कमजोर होना, जो भी बीमारी सब इसके अंडे यूज करते हैं। और इसके अंडे खाने से कोई मोटापा नहीं आता है, कोई गर्मी नहीं होती शरीर के अंदर बिल्कुल। जो आप कंटिन्यू अंडे खाइए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप नेट पर देख सकते हो कड़कनाथ के अंडे कितने बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी मुर्गी होती है। इसके अंडे बिकते हैं, इसके अंडे इसका मीट 700-800 रुपये के जी के लमसम बिकता है। हमारे इस एरिया राजस्थान में तो इसका अंडा 50 रुपये से नीचे बिकता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी ब्रीड है। ये भी इसको आप ओपन एरिया में खुले में रख सकते हो या अंदर भी रख सकते हो, दोनों में आपको काम दे देगी। कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूमती रहेगी, लेटरूम के साथ घूमती रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छी बेस्ट क्वालिटी की मुर्गी है। अब आ गई असील। असील मुर्गी एक लड़ाकू मुर्गी है, मुर्गा है असील। असील मुर्गा एक लड़ाकू मुर्गा होता है जो लड़ाई के काम में देता है, लंबा होता है कदमे। असील मुर्गी 12-13 अंडे देती, ज़्यादा नहीं देती है। लेकिन इसके मुर्गे बहुत ही शौक के लिए लोग रखते हैं, बहुत मजबूत है। इसका ये बच्चा दिख रहा है, ये 5,000 का बच्चा बिकता है। ये 5,000 का बच्चा है तो इसकी हाइट तो कितनी बढ़िया है। ये प्योर असील का बच्चा है ये बच्चा। पाँच बड़ा मुर्गा है वो 10,000 का बिकता है। मुर्गी बड़ी अंडे देने वाली 7,000 की बिकती है। ये तो असील का बच्चा एक आ गया, ये तो इधर आ गया, ये पूरे असील के बच्चे हैं। तो ये अंडा परपच के लिए नहीं, ये खाली लड़ाई के शौक के लिए रखे जाते हैं इनको। इनको बड़े बड़े लोग शौक के लिए इनको रखते हैं, लड़ाई के लिए रखते हैं, या असील के बच्चे रखते हैं। ये भी असील का बच्चा, तो कोई आ रहा बात है, ये भी असील का बच्चा है, आप देख सकते हो। ये कड़कनाथ मुर्गी असील का बच्चा तैयार करते करते ये 9 महीने या 10 महीने से बच्चा तैयार होता रहेगा। जब आज बच्चे निकलेंगे तो 9-10 महीने आपको केयर करो तब जाके वो तैयार होगा। कड़कनाथ के बच्चा अंडा मुर्गा बच्चा तो भी 4 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। 4 महीने में मुर्गी अंडा देना शुरू हो जाती है। और ये तेन की मुर्गी 7 महीने में अंडा देना शुरू करती है, 7 महीने पलता है। असील बहुत धीरे धीरे पलता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब असील के बच्चे हो गए 8 महीने के हो गए बच्चे हैं, जो 7 महीने के तो ये इनकी छोटी है मुर्गी है कड़कनाथ मुर्गी। ये अंडे देके बूढ़ी हो गई, ये बच्चे बड़े लगे छोटे लगे अंडे देके बूढ़ी होगी। ये कड़कनाथ मुर्गा बोल रहा है ये पता है बेटा बोल रहा फिर तो कड़कनाथ। लेकिन ये कड़कनाथ की एज 3 साल बाद वो कड़कनाथ मर जाती है, 3 या 3.5 साल तक नहीं होती है कड़कनाथ, 3 से ऊपर नहीं देती। लेकिन ये असील और तेनी मुर्गियाँ ये 8 से लेकर 10 साल तक आप इनको जिंदा रख सकते हो, अच्छा खाना देते हैं। बाकी आप जितने फ्री रेंज एरिया में मुर्गू वर्गो इतने स्वस्थ रहेंगे, फ्री रेंज एरिया के अंदर मुर्गू बीमारियाँ नहीं आती। और ये असील मुर्गा देखो, ये प्योर असील है, 10,000 का मुर्गा ये देखो, आप देख सकते हो इसकी 10,000 का मुर्गा। लेकिन गर्मी के कारण के बाल बोल उठ रहे ऐसे हो रहे हैं, ऐसे 10,000 का मुर्गा बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मुर्गा है। इसकी चोंच, इसकी आँख, इसकी क्लेंकी, इसके पंजे, इसका खड़ा होने का ये सुंदर नहीं है क्योंकि गर्मी पड़ रही सुंदरता चली गई। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मुर्गा है, ये टेढ़ी मुर्गा है, ये टेढ़ी मुर्गा है। अब ये मुर्गा 1,000 रुपये का लास्ट, अरे ये 5,000 का देखो, ये मुर्गा है, ये मुर्गा है, ये बोल रहा हूँ ये 1,000 रुपये का, वो भी टेढ़ी मुर्गा है, वो भी कंप्यूटर का है, वो भी टेढ़ी, एक उधर जा रहा है वो भी टेढ़ी। उधर पूरी इनमें मुर्गियाँ हैं, 4 ब्राउन कलर की 4 मुर्गी, 2 असील है, 2 टेढ़ी। टेढ़ी मुर्गी 500-700 रुपये की है और ये दूसरी मुर्गी 7,000 की, अलग अलग रेट है। तो इनको मेरे को फीड का कोई खर्चा नहीं है, दिन भर ये घूमते रहते हैं। और हम फिर के हमारे अभी 50 मुर्गा मुर्गी तो मैं 12 मुर्गे और बाकी मुर्गी हैं डेली के, मेरे 25-30 अंडे हो जाते हैं। और अंडे भी गर्मी की सीजन में बोलते बिकते नहीं है, मेरे हैचरी वाले लेके जाते हैं पूरे अंडे, छोड़ते नहीं है। अभी मैं असील प्योर असील का अंडा 50 में देता हूँ, कड़कनाथ का 50 में देता हूँ, और बाकी इनका अंडा मैं 20 रुपये में देता हूँ। ट्रेनी का अंडा 20 रुपये में देता हूँ, बाकी कड़कनाथ असील के मुर्गे 50 में। और हैचरी वाले लेके जाते हो छोड़ते नहीं हो, वो एडवांस डिमांड आ रही है। अभी थोड़ी बारिश हो जाएगी ना तो फिर मैं बच्चे निकलूँगा उन सब के, वो सर्दी तक बच्चे अंडा देने लायक हो जाएंगे। अभी जून फर्स्ट जून में शुरू कर दूंगा, बच्चे निकालेंगे जुलाई में, बच्चे निकालेंगे तो जल्दी फरवरी में अंडे देना शुरू हो जाएगा। अंडे का बिक्री सर्दी में बहुत ज़्यादा चल रही है, सर्दी पड़े तो अंडे का डिमांड बहुत बढ़ जाती है, अंडे बिक्री कर पाऊँ तब आगे। इसे मेरा घर का खर्चा फर्स्ट क्लास चलता है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, हाथ टूटे पेट टूटे, बस मेरे बेनिफिट है कि मेरे पास ये एक अगर जमीन है मेरा खुद का, खाने मेरे पहले से मैंने भराना रखा था वो तुम डाल देता हूँ, दिक्कत नहीं है। और बगल में मेरे बकरी फार्म है मेरा परिवार का, इतना बड़ा जो उनको बकरियों को जो खाना देते हैं ना, वो बाजरा वगैरह जो
जो नींगड़ी होती है, नींगड़ी के अंदर वो ऐसा सांप का धार आता है तो वो खा लेते ही होते, इसलिए वो खा रहे हैं। वो मेरे फ्री मिलते हैं। इधर मेरे बगल में गाय भैंस है, उनका चीचड़ वगैरह आता है उसे पेट भर लेके, इधर ही मेरे पास गाय भैंस है बगल वो खा लेते हैं। तो फ्री रेंज आपको मैंने इनका बेनिफिट बता दिया, कैसे कैसे बेनिफिट अभी आपको, तो भी फ्री रेंज एरिया में रहते हैं तो थोड़ा उनको क्या करते हैं, हरा चारा देना जरूरी है, हरा चारा। तो अभी मैं बाजार जाऊँगा, दुकानें मंडी में जाऊँगा, मंडी हमारे यहाँ तो वहाँ जाऊँगा, लेके आऊँगा हरी सब्जियाँ रात की नहीं बिकने वाली फ्री वाली, वो लेके इनको काट को डाल दूंगा। अभी मुर्गी फार्म में गया हूँ, अभी मीट आने वाला है, इनको मुर्गी का थोड़ा मीट काट के थोड़ा कटिंग करके मीट डाल दूंगा। शाम को टाइम हमारा परिवार बड़ा है तो हमारे घर में खाना बहुत अच्छा है, चावल दाल सब्जी रोटी प्याज के छिलके आलू के छिलके डाल दूंगा। अभी आलू सस्ते आलू कद्दू करके डाल देते हैं, प्याज सस्ते प्याज के कद्दूकस करके प्याज डाल देते हैं, इनको तरबूज बो सकते हैं तरबूज डाल देते हैं, खाने में तरबूज खा देते हैं। ये था इनका बेनिफिट भाई, आप देख सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी का मुर्गे हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का मुर्गे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम देख सकते हो कैसे। अभी गर्मी का सीजन है, दिन को आप तरबूज दे सकते हो, जो मैंने ला के तरबूज दिया है, दिन में एक दुआ डाल दो तरबूज, तरबूज गिने सकते हैं तो 15-12 के जी मिल रहे तरबूज डाल दो इनको, तरबूज वाला पास जाते तरबूज उनको पास नहीं पकड़े तो खराब तरबूज लेके आ जाओ और उनको डालते रहो, स्पेशल रेडी की जरूरत नहीं है आपको, खराब तरबूज मिल जाएगी इनके पास में तो डालते रहो, सब्जी वाले के पास जाओ देखिएगा मना नहीं करेगा। और देसी मुर्गी का यही फायदा है कि दिन भर फुले मर को और फिर का इनका खाना जरूर खिला लो, थोड़ा बहुत बाहर डालो डालो शाम में टेबा थोड़ा बहुत डालते हो तो आप डालो तक दिन भर खाते रहेंगे और घूमते रहेंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। पेट खाते रहेंगे अपना दाना पानी अपना पेट खुद भर लेते हैं। तो ये देसी मुर्गी के फायदे, फ्री के अंडे मिलते भाई मेरे को फ्री के बिल्कुल। एक बार मैंने चारों मिनट जाली बना कर लगा दी पूरे दिख रही है एकड़ के अंदर, कोई जंगली जानवर इसके अंदर ना घुसे, आराम से जाली लगा दी मजे से मेरे बस अपना खाते रहेंगे। अरे खाना दे रही है बुरे बुद्ध पड़े, मेरी माँ बटे बहुत पड़े खाने यार, बच्चे छोटे एक दूसरे का खाना छीन के खाने की कोशिश करते हैं, अभी खा रहे थे अच्छा लग रहा है, ऊपर दिख नहीं रहा है, बड़े हैरान मुर्गी है बहुत ज्यादा। बेचारों को इतना पड़ा वो नहीं खा रही, इनको खा रही है पहले खा रहे, ये बच्चे छोटे हैं इनको खाना नहीं दे रहे, तरबूज तो तरबूज बहुत बड़े उधर तरबूज बड़े हैं, इन वाला कोश छीन के खाएंगे, ये बच्चे छोटे खाना तो इनको वैसे कम खाते डरते हैं। अब एक वो आ रहा गांड रहता था, अरे भाई वो खाना दे यार ऊपर उधर खाओ ना, कितना बड़ा बड़ा पुल पड़ा है दबा के, ऐसे करते हैं इनको खाने के लिए थोड़ा तो इनका ध्यान रखना पड़ता है, आप झगड़ा बहुत करते थे काटने के दौड़ते हैं, इसको नहीं खाना खाना यार तू भी खा ला उधर पड़ा नहीं खाते, खाना डालते समय इनको ध्यान रखना इन्हें खाया बहुत मिला छोड़ दिया इन्होंने, चलो उधर कहते हैं वो तरफ बाढ़ के पास में खाए तो बहुत खाली बेचारा खाते हैं। ये आएगी इसके पास में वो नहीं खाएंगे, इसके पास में जरूर आएगी, उधर बहुत तरबूज पड़े ऐसे पड़े नहीं खा रहे इनके छीन के खाएंगे, इनको भी खाना दे यार। तो भाई इनका बिरी हमारे को बिल्कुल फ्री का मिलता है, एक बार इनको मैं सुबह शाम संभालता हूँ एक घंटा आराम से खाना देता हूँ, तो बस दिन भर में घूमता रहता हूँ, मेरे अपने आप बिजनेस चल रहा है, और मैं इनका एक बार अंडे एक बार मीट के लिए मैं दुकानों से संपर्क किया, उसके बाद अपने आप संपर्क हो गया धीरे 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 हमारा, एक बार आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी अंडे कहाँ बेचने मुर्गे कहाँ बेचने कौन से बीड पालने, धीरे धीरे पूरे अपने आप ही जगह ढूंढ लेते हैं। तो तरबूज का ठंडा तो कम खा रहे हैं, बस खा रहे पानी की पूर्ति हो जाएगी इसलिए तरबूज,
तो बहुत बेस्ट क्वालिटी की मुर्गी हमने आपको दिखाया, आप देख सकते हो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है, एक नंबर की मुर्गी है, लेकिन झगड़ालू है, एक दूसरे का खाना नहीं खाने देते, एक दूसरे का चोंच मारते हैं, बस इनका ये काम अधिक लगी, इधर आ रही है मुर्गी, इधर जा रही, वो नहीं खा रही, इनको नहीं खाना देते, इधर आ रही साल के, पता नहीं इसमें क्या है, वो तरबूज बहुत पड़े से पड़े नहीं खा रहे हैं, इनका छीन के खाएगी बच्चों का, इनका एक नेम है, बच्चों डालूंगा खाना छीन के खा लिया, फिर उनका भी खा ले पड़े नहीं खाएंगे, वैसे बैठना शुरू कर दिए, गर्मी का मौसम ठंड है, अभी अभी बैठना शुरू कर दिया, नहीं खा रहे तो गर्मी में बहुत ही कम खाना खा रहे हैं, अभी इनको मीट ला के डालूंगा, वैसे अभी तक थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं कटिंग हो रही है, उसी मीट पता कर रहे हो तो डाल दूंगा ला के खाएंगे। तो भाई जो भी भाई बेरोजगार है, मैंने ये बताया कि मुर्गी आप पालो, आपको बहुत ही बेनिफिट है, बहुत फायदा है, जो फिर मुर्गी आगे वो निकाले इसको आगे देख लो आगे ये खाएंगे, वो दौड़ा दे खाएगी, उनको भगाया खुद निकारे चल दी, बस वो एकदम यही जाएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है मुर्गी से, उधर बड़े अच्छे तरबूज बड़े नहीं खा रहे, बड़े वो खा रहे ये नहीं खा रहे, ये खाएंगे उनको भगा दिया बेचारों बच्चों। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपको मैंने बताया कैसे लगा, कर मैडम बता रहा हूँ मुर्गी पालन करना बहुत अच्छा है, अच्छा व्यायाम है, बहुत बड़ी चीज है, आप कर सकते हो, बहुत फायदा ही फायदा है, मैंने ज़्यादातर वीडियो शॉर्टकट में बना के बोला आपको, शॉर्टकट में बना के दिया है भाई, आप कह सकते हो अगर आपको घर का पीड़ डालते हो, घर का पीड़ पका के और भिगो के फिर देना, सूखा पीड़ कम दो गर्मियों में, तो सूखा पीड़ देने से उनके कोटा बन जाता है, पस्ता कम है, ज़्यादा लिक्विड यानी कि पतली चीज दो ताकि अपना का पस्ता रहे। तो ये था मुर्गी फार्म, आपको कैसा लगा चंदू जरूर बताना।